जेड कर रखी है गाड़ी, फ्रंट भी शीशे पे फिल्म चढ़ रही है, नंबर प्लेट पे नंबर दिख नहीं रहा, तो क्या सिस्टम है ये, क्या हिसाब से कार है भाई? 100 पहले से जेड चले गाड़ी। अच्छा सुनो, बैक टू माय चैनल, कैसे हो सारे? आंख खुली रह गई ना, ऐसे ही कर देते भाई, हम सिनेमैटिक देखोगे मजा आया होगा पूरा। भाई स्कॉर्पियो गाड़ी है और टॉप मॉडल है, मेरे ख्याल में टॉप मॉडल भाई, Z8L है, मैनुअल गाड़ी है भाई। कितने इंची लगा रखे हैं, क्या सिस्टम है सारा समझाऊंगा। लुक चेक करो और कमेंट करके, अगर नहीं बताया किसी ने कि लुक कैसी लग रही है, एक बार चारों तरफ से देख लो। बिशनपुरा के भाई ऐसे ही मिलेंगे सारे, देखो गाड़ी की तरफ को आ जाओ और मेरे को ये समझाओ कि भाई गाड़ी में क्या 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 करवाया हुआ, कितने इंची अलॉय हैं और कुछ चेंजेस करवाए या नहीं करवाए, क्या क्या करवाया? ये 26 इंच अलॉय है। 26 इंची, हाँ ठीक है। पहले इसमें ऑफ रोडिंग टायर लग रही है, ठीक है भाई। कराई कह रहे थे कोई बात ना, पर मन बन रहा है मेरा 24 इंच का मना, ठीक है। 24 इंच में जो डिजाइन चाहिए आया वो हानि भाई, और हानि ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा, तो भाई डिजाइन, तो भाई डिजाइन अच्छा लग रहा है, उससे लगवाया मर्करी वाले से? हाँ मर्करी वाले से, ठीक है भाई। प्राइसिंग बताएंगे वीडियो के लास्ट में कितने रुपए के लगे, सब बात अभी बता देंगे तो मजा ना आने का। तो भाई जेड कर रखी है गाड़ी, फ्रंट भी शीशे पे फिल्म चढ़ रही है, नंबर प्लेट पे नंबर दिख नहीं रहा, तो क्या सिस्टम है ये, क्या हिसाब से कार है भाई? 100 पहले से जेड चले गाड़ी। अच्छा सुनो, 2018 से जेड चला रही, वरना ही वो जेड रहेगा ही, फिर क्रेटा ही खराब ही उल्टी ही उल्टी। भाई मेरे को पता है, मैं भी गाड़ी जेड चलाई है, इस चीज का खर्चा एक बार लोगों को बता दो, जेड चलाने का खर्चा कितना महीने का? भाई खर्चा है 10-12 हजार रुपया तो कम से कम बता रहे हो ये? जो भी रोक है वो तो होगा 2-4 जी का मौन भी भाई। कई जगह तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी फेस हूँ, 2.5 लाख फॉलोअर है, छोड़ दो ठीक है भैया, जाओ कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन में रोकी थी गाड़ी भाई, लाइट वाइट सारी टॉप मॉडल वाली है, टॉप मॉडल वाली, खुद डलवाने की जरूरत नहीं, सिस्टम सिस्टम लगा रखा है सब भाई, सोनी का लग रहा टॉप मॉडल का। अच्छा उसकी अच्छी आवाज है, लगवाने की बड़ी आवाज है, 12-13 स्पीकर दे रखे, अच्छी आवाज है उसकी भाई। एलॉय भी लगवा तो लेते हैं लोग, लेकिन लोगों के दिमाग में ये नहीं है कि इनका खर्चा कितना है, गाड़ी में नुकसान कितना है, बहुत खर्चा झेलना पड़ता है एलॉय व्हील लगवाने के भाई बाद। बहुत, अभी एक टायर फट गया हमारे काल गाड़ी सारे, हम परसों रात को, हाँ परसों 3-4 दिन हो गए काल गाड़ी सारे, एक टायर फट गया छोटे से गड्ढे में, ये इनने भाई किसी पर उतरा एलॉय में ऐसा टायर, अलॉय उतारने के लिए मिस्त्री चाहिए, बड़ी गड्ढी दिखवा लिया, फिर टायर लेके हम गए उसमें प्रेस्टीज वाले पे, उसने उतारा, उसने उतार के दिया, फिर उसमें टायर पकवाया, फिर उसी पर इराक चढ़ा कि जिक चढ़ा देना भाई, टायर फट जाए तो टायर आता है 12-15 हजार रुपए का, 26 इंची, 20 इंची टायर कम से कम 7-8 हजार रुपए का, 17 इंची 6 हजार रुपए का टायर है अगर बढ़िया लेते हो तो। भाई गाड़ी कटी भी है, किसको लगा? भाई गाड़ी कटी भी है, गाड़ी लिफ्ट भी हुई है, गाड़ी लिफ्ट भी हुई है और कटी भी है। एक बार इधर आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो मुझे लग रहा है टायर से घिस घिस के हुआ है ऐसा, या फिर ये सेटिंग करवा रखी है पूरी? भाई पूरी वो हुई है, कटी है गाड़ी यहाँ से, अच्छा सारा आगे से भी कटी, पीछे से भी, दोनों तरफ से कटी है गाड़ी, तो और लिफ्ट भी हुई है गाड़ी। दिल में चोट नहीं लगती नई गाड़ी 22-23 लाख रुपए की कटवाते हो? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, और सब कर रहे तो ये सब चीज़ तो देखनी पड़ेगी। अच्छा नए आदमी इनके लगे, हम पहले से ही कर रही है पता हो सारी चीज़। तो भाई बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि गाड़ी में अलॉय लगने के बाद चलती नहीं है ठीक से, या अड़ती है, या ज्यादा लोग नहीं बैठा सकते, उसके ऊपर क्या कहना है? अरे भाई हम तो 11-12 भी बैठ जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत ना होती, बस हुआ स्कॉर्पियो ये 1-2 ही होंगी 26 इंच वाली, एक और लड़के की और नहीं है कोई, तो नोएडा NCR गई है पंजाब का वो ना भाई, NCR कोई भाई। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कवर करना चाह रहा था, हुआ क्या था, मैं एक दिन नोएडा स्टेडियम से आ रहा था घर पे, तो भाई जानते हैं भाई मिले मेरे को, अर्जित कैसी लग रही है गाड़ी? मैंने कहा भाई गाड़ी ये बन लग रही है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। तो भाई ये शौक शौक की बात है, और इन चीज़ों को करने से पहले भाई से मैंने आपको जो नुकसान बताया ना वो नुकसान जान लेना। अब बात करेंगे इनकी कॉस्टिंग की,
और पुराने टायर वायर कितने में गए, क्या हुआ, सारी चीजें ऑन क्लियर बिल्कुल। क्या कितने के पड़े भाई ये? भाई ये पड़े होंगे 3,10,000 रुपए एलॉय और टायर। एलॉय टायर जो भाई जेन्युइन है पब्लिक भाई 22 इंच 24 इंच से 3.5 लाख के बाद आगे सब कहने की बात भाई होल्ड नहीं हो पाएगी, बहुत खर्चा चाहिए, बहुत खर्चा गाड़ी से अलग। भाई टायर कौन सी कंपनी का है भाई? कंपनी चाइनीज ब्रांड में तो आते नहीं सब ना भाई, ये सब तो चाइनीज ही आ रहा है। 22 तक आता है, 22 तक आ जाते हैं मिचलिन वगैरह के। 3,10,000 रुपए के चाइनीज टायर के साथ। और ये एलॉय तो X2 वालों का ही है ना? ना एलॉय भी दूसरा भाई उन लोगों का, X2 वालों का। हां ये अपनी स्टिकरिंग करते हैं, स्टिकरिंग करिए दूसरे ब्रांड का, कोई ब्रांड बाहर का ही होगा, ये इंडिया का माल नहीं होगा एलॉय। ठीक है भाई। और जो भाई पुराने टायर एलॉय थे वो कितने रुपए के गए अपने? वे भाई रखे हैं भाई, वो रखे हैं कहीं लंबे जाना हो पहाड़ों वाड़ों में तो बाद में भाई कभी अगर ये चटक वटक जाते हैं पर ये दिक्कत रहती है कि चटके चटकाने की। हाँ भाई रह भाई ना दिक्कत भाई अंत है, मतलब चीज़ ना एंड कर रखी है बिल्कुल। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कट बता दी वीडियो में, फालतू में लंबी वीडियो खींचता नहीं। जो चीज़ें कट टू कट पॉइंट्स होते हैं दिमाग में वो सारे मेरे अंदर दिमाग में आ गए। तो मैंने आपसे एक चीज़ और भाई, ब्रेकिंग वगैरह में कोई दिक्कत है ना भाई? थोड़ी बहुत दिक्कत है, 50 से ऊपर जब गाड़ी चले तो भाई ब्रेक। अभी जैसे आप नचा रहे थे गाड़ी 60-70 पे तो कैसा फील हो रहा था अंदर? ना भाई वो अनबैलेंस हो गया थोड़ी गाड़ी अंदर से, पर हुआ है अब आदत हो गई, अब तो कर लिया है। और ब्रेकिंग ये है कभी कभार 10 में से 1 बार हुआ है कि लगती नहीं है सही से, गाड़ी चलती चली जा रही है, गाड़ी चलती चली जाती ब्रेक नहीं लगते। हाँ ब्रेक दिक्कत हो जाती है। इन अलॉय पे कितनी तेज भगाई है टॉप? इन पे भाई 120 करवा रहा, 120 पे हैंडल हिलता है बहुत ही है भाई, इससे ज़्यादा इसीलिए तो हेलो इतना हिलता पूरा हो रहा है। हाँ पूरी गाड़ी में अभी नहीं आई है 120 पे। हाँ जी मतलब ये गाड़ी ली तो 60-70 इंच भाई, ये तो भाई सौ स्टीडियम चलाने के लिए तो क्रेटा और ना दूसरी गाड़ी, ये तो सौ के वो भगाओ पूजा करके आ जाते कपड़ा मार दिया अपन है क्या ना भाई, आंखों को सुकून मिलता है उठते ही आप खड़े हो, अब है जो अलॉय लगी हुई गाड़ी सामने खड़ी हो इतनी सुंदर साफ सुथरी सी, तो दिमाग को सुकून मिलता है और कुछ नहीं है, शौक इसे ही कहते हैं। तो मेरे सारे क्वेश्चंस तो भाई क्लियर हो गए, कुछ और चीज ऐसी हैं जो आप भाइयों को बताना चाहोगे? कि भाई हॉर्न वॉर्न लगवा रखी है बस, बाहर से रूट्स के 4 हमने रूट्स के हॉर्न लगा रखे हैं 4, उनकी तो आवाज लोगों ने सुनी होगी फिर भी सुना देता आगे जा। तो इस चीज को ना करें, नॉर्मल हॉर्न भी इसके पांव वाले बड़े अच्छे आते हैं, बट वही है शौक 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 साली ऐसी चीज है आदमी बर्बाद करता है भाई, गलत कह रहा हूँ जी? ना सही बात है, शौक बहुत बुरी चीज है और गाड़ियों का शौक बेकार कर देती है भाई, बहुत खर्चा है बहुत। मैं तो भाई खैर अपना मन की तसल्ली के लिए करता हूँ, मैंने 17 लगवा रखे हैं उसी में खुश हूँ बहुत ज्यादा, और एल्ट्रोज के अपना साइज भी नहीं आते ज्यादातर। तो भाई आओ वीडियो को एंड करेंगे, साथ में आ जाओ सारे एक बार। ये भाई हमारे, ये पुनीत हरे हमारे भाई, आपका नाम क्या? आशु। और भाई आपका नाम क्या? ब्लैक किया भाई, ये सब मजा आया अपना, कोई भाई फालतू कमेंट ना करे, सब प्यार बनाए रखे अपने आपस में। और भाई सबके आईडी मैं मेंशन कर दूंगा, सबके पे जाके रील देखना, आज 1 से 1 रील निकाली हमने, तो फॉलो करो सभी को और प्यार बनाए रखो और अपने भाई को सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। और कुछ अगर क्वेश्चन दिमाग में आता है तो भाई मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। भाई सारी चीजें हमने कवर अप कर लिया, और कुछ नहीं है ना गाड़ी ना, और तो भैया इसी में 3.5 लाख खर्च होगा और क्या होएगा। और भाई चलाने वाला गाड़ी चलाने आएगी भाई, 2-4 चलाने दिल्ली लेके गए हो गाड़ी? हां सब दिल्ली लेके गया भाई, तो रोक लेते होंगे दूर से? ना भाई रोक ले, चलन पुलन भी हो जाए पर इसको। चलो दोस्तों यहीं एंड करेंगे वीडियो को, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी, गाड़ी लुक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, नहीं बताओगे तो भाई फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।